और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 16 मई से 24 मई तक आरपीएससी की परीक्षाओं का दौर, 16 मई से 24 मई तक आयोजित होगी सहायक आचार्य परीक्षा, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा, शिक्षा का आयोजन प्रथम पारी में प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे, द्वितीय पारी में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी आयोजित। जयपुर के 418 और अजमेर के 221 केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन होगा। जयपुर से आपको ये बड़ी खबर बता दें, जहां पर आरपीएससी परीक्षाओं का दौर जारी होने वाला है जयपुर के 418 केंद्रों पर, और ये परीक्षा का आयोजन होगा जयपुर से। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, 16 मई से 24 मई तक आरपीएससी की परीक्षाओं का दौर अब जारी रहेगा, जिसमें सहायक आचार्य परीक्षा, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा का आयोजन होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए लोकेश ओला हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। लोकेश, आरपीएससी परीक्षाओं को लेकर फिलहाल क्या अपडेट? लोकेश से संपर्क करने की फिर एक बार कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जयपुर से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, 16 मई से 24 मई तक आरपीएससी की परीक्षाओं का दौर अब जारी रहेगा, जिसमें आपको बता दें सहायक आचार्य परीक्षा, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा का आयोजन होगा। और लोकेश हमारे साथ एक बार फिर इस खबर पर जुड़ गए हैं। लोकेश, फिलहाल आरपीएससी परीक्षाओं को लेकर क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, प्लीज साझा। इसमें सहायक आचार्य की परीक्षा, पुस्तकालाध्यक्ष, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा है, जिसमें इनकी ऐच्छिक विषयों की भी मुख्य परीक्षा वो आयोजित की जाएगी। दो पारियों में परीक्षा होगी, जिसमें पहली पारी में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक परीक्षा होगी और साथ ही दूसरी पारी के अंदर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। जयपुर के 418 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होगी, साथ ही अजमेर के 221 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा होगी। तो आरपीएससी की ओर से कॉलेज शिक्षा विभाग की ओर से जो आयोजित की गई परीक्षा है, उस परीक्षा के तमाम जो अलग अलग विषयों के जो ऐच्छिक परीक्षा है उन परीक्षाओं को और साथ ही पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण इन सभी परीक्षाओं की जो परीक्षा है वो आयोजित करवाई जाएगी। पूरी तैयारियां आरपीएससी की ओर से की जाती है, साथ ही जिलों के अंदर नोडल एजेंसियां उनकी ओर से पूरी व्यवस्थाएं की जा चुकी है। परीक्षा को लेकर पहले से ही सभी जिलों के अंदर जो जहां जहां परीक्षा केंद्र बनाएंगे वहां पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं और जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए इन सबको लेकर आज ही सभी केंद्रों पर एक बार फिर से जो जांच है वो की जाएगी। कल सुबह से जो परीक्षा आयोजित होगी उसको लेकर करीब 1 घंटे पहले परीक्षार्थियों को परीक्षा के अंदर प्रवेश दिया जाएगा और उसके बाद जो गहन चेकिंग है उसके अनुसार ही अंदर अनुमति परीक्षार्थियों को परीक्षा में। जी शुक्रिया आपका लोकेश, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।